मेरा साथ मेरे लिए खास बड़ा हो इंज लगे मेरा रब ही मेरे नाल खड़ा ओसे पल ही दिल दी तड़कन रुक जावे एक वारी अख भर के ले तू वेख जरा। मेरे रिश्तेदारां ने मैनूं ऐड कर रख्या टिकटॉक ते इंस्टा ते, ना तां मैनूं कदी लाइक कीता ते ना कदी कमेंट करदे आ, जस्ट ए देखदे रहणगे वी करदी की आ। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल, दिस इज़ अमन परमार। और आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक अनदर वीडियो जो कि है दुर्गा पूजा के लिए। हाँ जी, तो सबसे पहले आप सभी को दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गाइस, ये मेकअप लुक मैंने स्पेशली दुर्गा पूजा के लिए किया है, लेकिन आप सभी को जैसे पता है कि फेस्टिवल वगैरह आने वाले हैं, ये सारे मंथ्स होते हैं ना जो बहुत ही बढ़िया होते हैं और इतनी खुशी होती है सभी को क्योंकि त्योहारों के दिन हैं। और आप इसे कहीं भी वेयर कर सकती हैं, जैसे कि शादियाँ आने वाली हैं, आप शादी पर भी इसे वेयर कर सकती हैं। बहुत ही अच्छा वाला मेकअप लुक क्रिएट किया है मैंने, बोल्ड आइज़ के साथ बोल्ड लिप्स रखे हैं, तो आई होप कि आपको ये लुक अच्छा लगेगा। तो गाइज़, आज का जो मेकअप लुक है वो आपको जैसे पता ही है थोड़ा सा हैवी है और आइज़ को मैंने थोड़ा सा कट क्रीज करके बनाया है, तो डिफरेंट भी है और आपको पसंद भी आएगा। बिल्कुल इजी वे से मैंने आप सभी को ये स्टेप्स बताए हैं। तो इस वीडियो में गाइज, मैंने जैसे अपनी स्किन केयर कर ली, स्किन केयर करने के बाद ये मैं कंसीलर कंसील कर रही हूँ अपने फेस को। ये मैंने नया मंगवाया है, इसकी वीडियो भी आने वाली है। ये नाइका से परचेज़ किए गए प्रोडक्ट हैं जो कि मैं आपको इसके रिव्यू के साथ ही ने पेश करूँगी। तो गाइज़, ये मैंने कंसीलर लगाया है, ये है इनसाइड का कंसीलर और बहुत अच्छा ब्लेंड हो जाता है, बहुत बढ़िया। इसने एज अ करेक्टर भी बहुत बढ़िया काम किया है। और जैसे कि मुझे थोड़ा थोड़ा सा फील होता था, मेरी आईज़ और नोज़ और लिप्स के अराउंड थोड़ी सी मुझे ब्लैकनेस दिखाई देती थी, तो उसके लिए मैंने अप्लाई किया। आप चाहें तो अब मैं ये यूज़ कर रही हूँ ना, ये स्विस ब्यूटी का इल्यूमिनेटर है, आप चाहें तो इसे पहले भी यूज़ कर सकती हैं, लेकिन मैंने इसे बाद में यूज़ किया है। इसमें हल्का सा प्राइमर का भी टेक्सचर है, तो मैं इसे एज अ प्राइमर और थोड़ा सा शाइन के लिए, ग्लो के लिए इसे अप्लाई कर रही हूँ। और उसके बाद गाइज, ये आ रहा है हमारे चैनल का हीरो जो कि है फाउंडेशन। ये है ब्लू हेवन का फाउंडेशन जो मैंने फर्स्ट टाइम परचेज़ किया है नाइका से, और इसका भी रिव्यू आने वाला है। तो बहुत बढ़िया फाउंडेशन लगा गाइज मुझे, बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छी कवरेज है इसकी। और काफ़ी घंटे मैंने वीडियो बना के रखी, तकरीबन 4-5 घंटे मैं बना के इंस्टाग्राम रील्स वगैरह भी बनाई मैंने फिर इसके बाद, लेकिन ये कहीं नहीं गया, बहुत अच्छा काम किया इसने। इसका फुल फ्लैज रिव्यू आएगा जो मैंने बहुत बढ़िया तरीके से बनाने की कोशिश की है इस पर। तो हाँ जी गाइज, ये है ब्लू हेवन का फाउंडेशन जो कि मुझे बेहद पसंद आ रही, देखो मैं थम कर रही हूँ ना, तो मुझे बेहद पसंद आया। उसके बाद गाइज, मैं लगा रही हूँ मेरा ऑल टाइम फेवरेट कॉम्पैक्ट फिट मी का, और ये ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, वो उसके साथ मैं अपना सारा बेस को सेट कर लूँगी, फिर मैं कंटोर करूँगी अपने फेस को। ये नाइका का मेरा कॉम्पैक्ट है, लेकिन मैं इसे एज ए कंटोर यूज़ करती हूँ, तो आप
चाहें तो अपना लाइट शेड ले सकते हैं, एज ए कॉम्पैक्ट भी इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं करेक्टर यूज़ करती हूँ क्योंकि मैंने थोड़ा सा शेड डार्क लिया है। इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, अगर आपने नहीं देखी तो आप मेक श्योर आप जाके उसे भी देख सकते हैं। तो उसके बाद गाइज मैं यूज़ कर रही हूँ NYB का कंसीलर, अपने फेस को सभी को कंसील कर लूँगी अच्छे तरीके से ताकि जो मेरे हाई पॉइंट्स हैं वो इनहेंस होकर दिखाई दें और अच्छा लुक क्रिएट करता है कंसीलर। तो आइज़ के अराउंड, नोज पे, फोरहेड पे, सभी जगह जहाँ हमने थोड़ा सा इन्हेंस करना है अपना फेस उसे लगा लेंगे। ओके, तो इसे अच्छे तरीके से ब्लेंड करने के बाद मैं लगा रही हूँ कंटूर दोबारा से, क्योंकि मैंने नोज़ कंटूर करनी मैं भूल गई थी, जो कि मैं हमेशा भूल जाती हूँ। तो फिर मैं फिंगर की हेल्प से अपनी नोज़ कंटूर कर लेती हूँ, ब्रश की ज़रूरत नहीं है। देखिए बिल्कुल आसान तरीके से पूरा प्रॉपर एक वे में हो जाता है, देखिए कितनी आसानी से होगी ना। उसके बाद आप ब्रश की हेल्प से इसे ब्लेंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यस, तो फिर मैंने कंसील करके अपनी नोज़ को कंसील कर लिया। उसके बाद ये भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट आने वाला है, नायका की ही उस पैक में आया था जो मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया है। ये है ब्लू हेवन का आई ब्रो डिफाइनर, बहुत अच्छा गाइज, ये बहुत अच्छा है, मुझे बेहद पसंद आया। हम वेट एंड वाइल्ड की मैं यूज़ करती थी, वो भी बहुत बढ़िया काम करती है, मैं ऐसे नहीं कहूँगी वो बढ़िया नहीं है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है थोड़ी सी। ये अगर आपने जल्दी वाला करना है ना आईब्रो, तो आप इससे डन कर सकते हो। तो बढ़िया काम किया, मुझे अच्छा लगा प्रोडक्ट, इसका रिव्यू आने वाला है, ज़रूर देखिएगा। उसके बाद मैं ये गाइस यूज़ कर रही हूँ, ये भी उसी प्रोडक्ट का हिस्सा है जो नायका के प्रोडक्ट आए हैं। ये है इनसाइड का लूज पाउडर, रीज़नेबल प्राइस में, ये सारे प्रोडक्ट बड़े ही रीज़नेबल प्राइस में हैं गाइस, और इनके प्राइस सुन के आप हैरान हो जाओगे, और इनका काम तो इनके प्राइस से भी ज़्यादा बढ़िया है। तो लूज़ पाउडर की हेल्प से मैं अपने सारी मेकअप को सेट कर लूँगी और जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत है उसे मैं यूज़ करूँगी। तो ये है मेरी बहुत पुरानी किट है, ये रोमांटिक, पता नहीं रोमांस करके है ये, और ये देखिए कितने सारे शेड हैं। एक्चुअली ये इतनी पुरानी है कि ये उखड़ गई है सारी। तो फिर मैं ये वाला पूरा, मुझे बॉक्स चाहिए था क्योंकि इसमें सिर्फ मैट है, तो फिर मैंने ये वाला ले लिया। बहुत पुरानी है ये, मेरी शादी के वक्त की है मेरे को लगता है शायद। तो मतलब इसमें कलर इतने अच्छे और इतने पिगमेंटेड हैं। हाँ जी, तो हम अब आई मेकअप करेंगे। आई मेकअप के लिए मैंने सबसे पहले ये एक ब्राउनिश ऑरेंजिश सा शेड लिया है, उसे मैं अच्छे तरीके से अपनी क्रीज एरिया पे ब्लेंड कर लूँगी। दोनों तरफ करेंगे हम अच्छे तरीके से, ब्लेंड 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 जरूर करना है गाइज, एक तरफ छोड़ के नहीं रख देना, ठीक है। फिर हम यूज़ करेंगे अपना कंसीलर, कंसीलर यूज़ करना है बड़े ध्यान से। इसका ब्रश था ना जो NYB के कंसीलर का, इसका ब्रश बहुत अच्छा है, इसके ब्रश की हेल्प से ही मैंने लगा लिया सारी लिड पे, लेकिन अगर आप चाहो तो आप ब्रश की हेल्प से भी लगा सकते हो। मैं बाद में ब्रश यूज़ करूँगी क्योंकि पहले मुझे ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई। और एक ट्रिक ऐसे भी, आप सिंपल से ऐसे लगाओ, देखो मैंने लगाया ना, और ऊपर की तरफ देखो, जितना ऊपर आपकी क्रीज को चाहिए होगी ना जगह, वो वहीं आपको लाइन दे देगा। ये देखिए इसने दे दी ना मुझे लाइन। तो अगर आपको कट क्रीज में थोड़ी सी मुश्किल आ रही हो तो आप ये वाली ट्रिक यूज कर सकते हो कि जितनी आपको चाहिए होगी वो ऑटोमेटिकली आपकी आईज उतनी ही ले लेगी। आप नीचे वाली जहां हम आईलाइनर लगाते हैं वहां अपना कंसीलर लगा लीजिए और ऊपर की तरफ देखिए, जितना उसे चाहिए होगा ना उतना वो अपना एरिया कवर कर लेती है। तो फिर हमको अंदाजा हो जाता है कि हमने कहाँ कहाँ तक कंसीलर लगाना है, ठीक है। तो मुझे अंदाजा हो गया, उसके बाद मैं ब्रश की हेल्प से सेट कर लूँगी। फिर मैं लूँगी ऑरेंजिश रेड कलर है ये बेसिकली, बट हल्का सा ऑरेंज लगता है कैमरे में, लेकिन ये रेड ही है। तो ये कलर लूँगी क्योंकि मेरे दुपट्टे का जो रंग था वो लाल, हल्का सा उसमें ऑरेंज शेड आ रहा था, तो मुझे ये सूटेबल लगा, तो फिर मैंने ये वाला कलर ले लिया। तो इसे हम अप्लाई करेंगे, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड पैलेट है गाइज मेरी, ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड आप देख ही सकते हो। और मैंने अप्लाई किया अपनी वहीं जहां हमने कंसीलर लगाया है ना, वहां वहां इसे अप्लाई करना और कहीं नहीं अप्लाई करना, ठीक है। उसके बाद मैं डार्क ब्राउन कलर लूँगी, बिल्कुल कॉर्नर पे हम लगाएंगे, साइड कॉर्नर पे, क्योंकि हमने बिल्कुल शार्प लाइंस बन रही है ना, उतनी शार्प नहीं रखनी क्योंकि हम मिक्स करनाएंगे कि ऐसे ना लगे हार्श सी ना आई
आई मेकअप लगे हमारा, तो फिर मैं साइड पे ब्राउन कलर डिपॉजिट करके फिर उसे ब्लेंड कर दूंगी। ब्लेंड करने के बाद क्या होगा, सारे कलर आपस में मिक्स एंड मैच हो जाएंगे, जिसके साथ बहुत ही सुंदर इफेक्ट आएगा। ऐसी मत छोड़ देना, ब्लेंड ज़रूर कर लेना, क्योंकि वीडियो में पूरा दिखाना भी मुश्किल हो जाता है, कि टाइम बहुत लगता है ब्लेंड करने में। फिर भी ये फास्ट पे चल रही है, लेकिन ब्लेंड करने में बहुत टाइम लगता है। आप अच्छे तरीके से ब्लेंड करो ताकि आपका आई लुक उभर के आए, ठीक है। तो फिर मैंने उसके बाद वही शेड्स जो सबसे पहले यूज़ किया था ना, उसी को एक बार फिर से इन्हेंस किया, क्योंकि वो एक तरीके से गायब हो गया था, फिर उसे दोबारा से लगाया है वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद मैं ये यूज़ कर रही हूँ एले गर्ल का काजल, जो कि मैंने नया परचेज़ किया है, इसका भी रिव्यू आने वाला है। बहुत बढ़िया काम किया है इसने, इतना ज़्यादा डार्क बोल्ड काजल है ना, जो अगर आपने चीपेस्ट काजल चूज़ करना है ना, तो ये वाला करो। इतना कफ़ायती और इतना बढ़िया स्मूथ जेड ब्लैक है गाइस, जेड ब्लैक, ठीक है। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का। तो मैंने क्या किया ना, काजल लगा के ना हल्की सी शेप दे दी अपनी आई को बाहर की तरफ, थोड़ा सा काजल मैं बाहर की तरफ लेगी, ताकि मुझे पता चल गया कि मैंने अपना आईलाइनर अब कहाँ से शुरू करना है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं अपना आईलाइनर वहाँ से ही शुरू करूँगी जहाँ मैंने काजल को छोड़ा था। तो फिर मैंने एक बोल्ड मतलब कि लुक क्रिएट करनी थी, तो मैंने थोड़ा सा मोटे वाला आईलाइनर लगाया, पतला आईलाइनर नहीं लगाया, क्योंकि जो दुर्गा पूजा की हम देखते हैं तो उस वीडियोस में सभी ने मतलब बोल्ड आईज़ होती हैं, वो जो वहाँ पूजा करते हैं ना माँ काली की, तो बहुत बोल्ड आईज़ होती हैं उन सभी की, तो मुझे बहुत पसंद है वो और मैंने भी कोशिश की है थोड़ा सा उसको मिक्स एंड मैच करने की। तो यस गाइस, तो फिर मैंने उसके बाद अपना जो काजल है उसको थोड़ा सा और डार्क बनाने के लिए ना, मैंने वेट एंड वाइल्ड की किट का डार्क कलर लिया, एक तो ब्राउन कलर है जो मैं आईब्रो के लिए यूज़ करती हूँ, और एक और कलर है जो डार्क है थोड़ा सा, तो उसको लेके मैंने अपनी सारी आई मतलब कि जहाँ जहाँ मैंने काजल लगाया था उसको एक तो पैक कर लिया ताकि काजल फॉल आउट ना होए। तो लेकिन वो काजल अच्छा था, कोई ऐसा हुआ नहीं मेरे साथ जब तक मैंने लगा के रखा, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा बोल्ड क्रिएट करना था, तो फिर मैंने देखे कितनी अच्छी आईज़ लग रही है ना, तो फिर दोनों तरफ मैंने वो ही अप्लाई किया। आप चाहे तो आप ना कोई डार्क आई शेडो भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने वेट एंड वाइल्ड की किट यूज़ की थी। उसके बाद मैं ब्लश लगा रही हूँ, ये है शुगर का पैलेट, जैसे आप सभी को पता है, इसका रिव्यू मेरे चैनल पर ऑलरेडी है, जिन दोस्तों ने नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं। तो ये मैंने उसी पैलेट से ले लिया अपना हाइलाइटर, हाइलाइटर लगाने के बाद कितनी स्किन शाइनी और कितनी स्मूथ लग रही है ना फाउंडेशन गाइस, वाकई बहुत अच्छा फाउंडेशन है, ऐसी कोई बात नहीं लगी मुझे कि सस्ता है या फिर अच्छा काम नहीं करेगा, बड़ा अच्छा काम किया। तो ब्लू हेवन का प्रोडक्ट काफ़ी बढ़िया लगा मुझे इसमें। और उसके बाद जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत थी ब्रो बाउन एरिया पे और नोज पे, सभी जगह मैंने अपना हाइलाइटर अप्लाई कर लिया। उसके बाद गाइज मैं यूज़ कर रही हूँ मेरी ये लिपस्टिक्स, जो कि मैंने इसका रिव्यू किया है। एक्चुअली गाइज जब मैंने ये पहले लगाई ना, पहले तो मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी, जब मैं 2-4 शेड मैंने अप्लाई किए, लेकिन अब मैं लगा रही हूँ ना जैसे धीरे धीरे, क्योंकि पहले मैंने लगाई तो कुछ कम समय में यूज़ की, ठीक है, लेकिन अब मैं लगा रही हूँ ना तो मुझे अच्छी नहीं लग रही, मुझे बढ़िया नहीं लगी ये, तो वो वीडियो ना सारी मेरे को ठीक नहीं लगी कि मैंने इसकी तारीफ़ कर दी, लेकिन इतनी तारीफ़ के लायक नहीं है ये क्योंकि कुछ टाइम के लिए सही है, लेकिन ज़्यादा टाइम अगर आपको स्टेबिलिटी, तो इसकी स्टेबिलिटी नहीं है, ज़्यादा टाइम की स्टेबिलिटी नहीं है इसकी। तो एनीवेज उसके बाद गाइज मैं यूज़ कर रही हूँ अपना मश्कारा, आईलैशेस को कर्ल करके मश्कारा लगाए और फेक आईलैशेस लगा लिए ताकि थोड़ी सी आईज़ बड़ी खूबसूरत लगें। और उसके बाद मैं लगा रही हूँ रेड बिंदी के साथ मैं ब्लू हेवन के अपने सेटिंग स्प्रे से अपना फेस को पूरा सेट कर लूँगी। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर थोड़ी सी भी लगी है तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो मैं मिलूँगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को इंजॉय कीजिए। और मैंने गजरा भी लगाया था ना, ये वाला बाज़ार से मिल गया था, एक्चुअली ये बहुत सस्ता था गाइस, अराउंड 50 रुपीज़ का था, बड़ा
ऊपर हैंडी था बहुत ज़्यादा, कंफर्टेबली पहन गया, कोई ऐसे मुश्किल नहीं आई, इसमें इलास्टिक थी तो अच्छा था। तो उसके बाद मैं लगा लूँगी अपना सिंदूर जो कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। मुझे लिक्विड सिंदूर नहीं पसंद आते, मुझे यही वाला सिंदूर अच्छा लगता है। तो ओके गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो लगी है तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो यार। तो मिलूंगी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, बी हैप्पी।